ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के बहुचर्चित आशियाना गैंगरेप केस में आज फैसला सुनाया गया। स्पेशल कोर्ट ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को दोषी करार दिया है। मामले में कोर्ट 16 अप्रैल को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने गौरव को दोषी तो बताया, लेकिन वो धाराएं नहीं बताई गई जिनमें उसका दोष सिद्ध हुआ है। आपको बता दें कि लखनऊ की आशियाना कॉलोनी में 10 साल पहले नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते तंजील अहमद की पत्नी फरजाना मौत से हार गई। बुधवार को उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। पिता की मौत का सदमा झेल रहे बच्चे मां की जिंदगी की दुआ मांग रहे थे, लेकिन उन्हें मायूस होना पड़ा। एक रिपोर्ट। एक एक करके खुशियां उजड़ गईं, खामोशियों के बीच उम्मीदें बिखर गईं। एक हंसता खेलता परिवार चंद दिनों में वीरान हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की, जिन्होंने बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फोर्टिस से एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन 12 दिनों के बाद वो जिंदगी की जंग हार गई। फरजाना ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर में सुबह 11:28 पर आखिरी सांस ली। दरअसल 2 अप्रैल की रात फरजाना अपने पति के साथ एक शादी समारोह से लौट रही थी। तभी बाइक सवार युवकों ने उनकी कार पर हमला किया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। तंजील को 24 गोलियां लगी, जिनमें कई उनके शरीर के पार हो गई। इनमें से 4 गोलियों ने बगल में बैठी फरजाना को भी घायल कर दिया। आनन फानन में पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद नोएडा के फोर्टिस रेफर कर दिया गया, जहां लगातार डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। स्थिति खराब होता देख उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। चंद लोगों की साजिश ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। तंजील और फरजाना के 2 बच्चे भी हैं, जिन्होंने पहले पिता की मौत देखी और अब मां की। उनकी आंखों के आंसू अब थम नहीं रहे हैं। हर कोई बस उन्हें तसल्ली दे रहा है, लेकिन ना किसी के पास शब्द हैं और ना ही इस मौत का जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। मेरठ छावनी के सैनिक अस्पताल में एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। तेंदुए पिछले कई घंटों से अस्पताल में घुसा हुआ है और निकल नहीं रहा है। जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है और साथ ही 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने के निर्देश दिए हैं। सेना और वन विभाग और पुलिस ने अभियान चलाकर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। दुनिया में यूपी की बेटी सोनी चौरसिया के नाम की गूंज है। सोनी ने लगातार 125 घंटों से ज्यादा कथा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो अब उन्हें सम्मान देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। देखते हैं रिपोर्ट। कथक डांस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद काशी की सोनी चौरसिया को सम्मान देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सोनी को अब केंद्र सरकार बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। केंद्र सरकार सोनी चौरसिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। 14 अप्रैल को स्मृति ईरानी बनारस में उन्हें आधिकारिक तौर पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करेंगी। मोदी के संसदीय क्षेत्र की किसी बेटी को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। इसके लिए ठुमरी गायिका गिरजा देवी, विमला पोद्दार, माननी अवस्थी जैसे कई नामों पर विचार चल रहा था, लेकिन अचानक से सोनी चौरसिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सम्मान की घोषणा के बाद से सोनी भी काफी खुश है। यूपी की बेटी को राष्ट्रीय फलक पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सम्मान की बात है। जरूरत है बेटी बचाने की, उनकी अपील को सुनना, जिससे समाज में बेटे और बेटियों में भेदभाव ना कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। वहीं केंद्र सरकार ने कथक नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली बनारस की बेटी सोनी को एक खास तोहफा दिया है। सोनी चौरसिया को पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। बीते शनिवार को सोनी चौरसिया ने 126 घंटे 5 मिनट तक लगातार नृत्य कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड।
सुप्रीम कोर्ट ने लोन डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरबीआई को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि डिफॉल्टर्स की लिस्ट जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। साथ ही वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। महज कुछ हजार के लिए गरीबों के घर की कुर्की कर दी जाती है, लेकिन अरबों रुपए डकार कर डिफॉल्टर्स आराम से घूमते रहते हैं। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसे सुनकर हर गरीब के मन में न्यायतंत्र को लेकर उम्मीदें बढ़ जाएंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर लोन डिफॉल्टर्स से पैसे क्यों नहीं वसूले जा रहे हैं। इस मामले में कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि 500 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वाली कंपनियों की लिस्ट बनाकर जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश किया जाए। ये कोर्ट तय करेगा कि इसे सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं। जो लोन्स दे रहे थे हुड को, प्राइवेट कंपनियों को, उस पर एक सीवीसी की इंक्वायरी ऑर्डर करी थी, जिस इंक्वायरी में ये पाया गया था कि ये लोन्स जो हैं ऐसी ऐसी कंपनियों को दे दिए गए जो पहले डिफॉल्ट कर चुकी हैं, जिनका कि ट्रैक रिकॉर्ड लोन वापस करने का बहुत ख़राब था। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछना शुरू किया कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो रही है, तो फिर मैंने ये बताया कि भाई ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ये प्रॉब्लम है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को डिफॉल्टर्स की लिस्ट पेश करने की हिदायत दी थी, लेकिन आरबीआई ने नाम सार्वजनिक करने पर गुरेज किया था। लेकिन इस बार लिस्ट पेश करने से बचा नहीं जा सकता। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होनी है। लोन डिफॉल्टर्स पर कोर्ट की सख्ती क्या रंग लाएगी ये तो बात की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों से ये धारणा तो कायम हो गई कि देश का कानून अंधा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस।